कैसे हैं सर? हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बड़खल फ्लाईओवर पर मौजूद हूं। यहां देख सकते हैं आप, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बैरिकेडिंग दिख रही होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बड़खल फ्लाईओवर जो है वो बनना शुरू हो चुका है। यहाँ तक सोचे मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि खुद गया है पूरा, जिसको खोद दिया गया है, लेकिन इसको दोबारा रिपेयर किया जा रहा है इस रोड को। और ये जो रोड जाती है वो यही से सोचे बड़खल फ्लाईओवर है, जिसका जो ये रोड सीपी ऑफिस की तरफ सीधा जाती है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ सीधा जाती है ये रोड। मैं आपको अंदर चल के एक बार दिखाऊंगी इस रोड को। ये है, देखिए, ये है बड़खल फ्लाईओवर, जहां से आप सोच सकते हैं यहीं से हम सीपी ऑफिस की तरफ सीधा जाते हैं। और देख सकते हैं ये जो रोड है, एक तरीके से इसको पूरा खोद दिया गया है। और ये देखिए, वो जो साइड वाली रोड है, सिर्फ वन वे रोड बच चुकी है, जहां पर लोगों का सिर्फ आना जाना लग रहा था। सोचे जो लोग एक घंटे में या फिर आधे घंटे में अपना जो सफर था उसको तय कर लेते थे, लेकिन इस रोड की खुदने की वजह से सिर्फ वन वे रोड बना दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पूरे में लगा दी गई है, ताकि उस तरफ जाने वाले लोग जा सकते हैं और इस तरफ आने वाले लोग सिर्फ आ सकते हैं। और सर मैं आपको बता दूं, ये जो बैरिकेडिंग है, ये पूरा सोचिए मेवला महाराजपुर तक ये बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, ताकि आप वहीं से सिर्फ यू टर्न लेके आ सकते हैं। सोचिए जो आधे घंटे का आपका सफर था वो आपको एक घंटे में तय करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ से सोचिए बड़खल जाना चाहते हैं, उनको पूरा घूम के आना पड़ेगा। और अगर जाते भी हैं तो सोचिए वन वे, सोचिए शाम का जब टाइम होता होगा तो कितना ट्रैफिक लगता होगा, क्योंकि सिर्फ वन वे रोड है। और मैं आपको बता दूं, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड एक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जो ये रोड है वो बनकर सोचिए 2 मई तक इसको जो सुनने में आया कि 2 मई तक ये रोड बनकर तैयार हो जाती, लेकिन आज सोचिए आज 9 मई हो गई है और ये रोड जस की तस ही है। ये मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं फरीदाबाद में ऐसी कौन सी लोकेशन है, क्या सरकार सिर्फ खोदने का काम कर रही है सड़कों को, या फिर जनता को परेशानी दी जा रही है? क्योंकि हमेशा ऐसे कुछ इनको बोल दिया जाता है कि हाँ इस टाइम तक हम काम खत्म कर देंगे, लेकिन जनता क्या लॉलीपॉप खा रही है? लॉलीपॉप चूसने के लिए सरकार दे दे रही है, क्योंकि हर बार वही वादा किया जाता है कि इस काम को इतने समय तक कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक कर दिया जाएगा? अब तक उनका कोई समय सीमा ही नहीं आती। इसको भी 2 मई तक निर्धारित किया गया था, जो हमें सुनने में आया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसी कौन सी लोकेशन है, मैं फरीदाबाद की जनता से एक बार क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पर ये रोड नहीं खोदी गई है? क्योंकि मैं एक बार फरीदाबाद की जनता से भी पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी लोकेशन है फरीदाबाद में जहां पर ये रोड खोदी नहीं गई है? कहां पर नहीं खोदी? मैं आपको बता दूं, बल्लभगढ़ में देखिए, वहां पर रोड को खोद के रख दिया गया है। आप ओल्ड की साइड आएंगे तो ओल्ड में रोड को खोद के रख दिया गया है। सोची बीपीटीपी के साइड पूरी रोड खुदी हुई है, और तो और ये बड़खल फ्लाईओवर भी बचा था, यहाँ पर भी इसको खोद के रख दिया गया है। मतलब बनाने का सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इनके नियम देखिए आप, अगर नियम बनाते हैं तो सोचिए इतना लंबा जनता को नियम रेगुलेशन बता देते हैं कि उनको निभाना पड़ता, नहीं निभाएंगे तो आपके चालान काटे जाएंगे। ये देखिए, अच्छा एक बात बताओ, ये खुद रही है रोड जब से, आप लोग को परेशानी आती है? परेशानी बहुत है जी। क्या होता है? 2-2.5 किलोमीटर घूम के आने पर, 2-2.5 किलोमीटर घूम के आने पड़ता है। तो किराया भी तो नहीं होगी? किराया वही लेते हैं 15 रुपए जो पहले का है। तो मतलब इसका तो आपको नुकसान ही नुकसान हुआ, यहाँ से इतना लंबा घूम के आ रहे हो, और सवारी के भी अलाउ 3 कर रहे हैं पीछे पीछे के पुलिस वाले। अच्छा, मतलब सवारी भी ज्यादा नहीं बैठ रही है पर? देखिए ऑटो वालों की परेशानी देखिए, क्योंकि यहाँ पर जनता को इतना घूम के आना पड़ रहा है, ऑटो वालों को किराया उतना ही मिलता है, लेकिन बहुत घूम के। अच्छा एक बात बताओ भैया, कहाँ से घूम के आओगे अब आपको? मेवला से पूरा यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, और क्या, पहले एसी में जाएंगे तो मेवला से यू टर्न लेना पड़ता है। यहाँ से कब से नहीं जाना बंद हो गया? बंद हो गया, महीना भर से हो गया। मतलब रोड खुदी हुई है, और क्या, आप लोग को यहीं से पूरा यू टर्न लेके आना पड़ता है। यहाँ से घूमते हैं वहाँ से निकालते हैं, बहुत लंबा है फिर तो ये रास्ता। ये देखिए, आइए हम यहाँ की जनता से भी कुछ पूछेंगे, क्योंकि जनता परेशान है काफी ज्यादा। आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, ये रोड जब से खुदी है परेशानियाँ आ रही है? परेशानी तो आई है, रोड बंद रहेगी तो एक परेशानी आ रही है। आप भी ऑटो चालक हैं? हाँ जी, हम भी ऑटो चालक हैं। कहाँ से ऑटो, कहाँ से आप लोग को ये मिलते हैं ग्राहक? यहीं से बड़खल मोड़ से मिलते हैं। बड़खल मोड़ से मिलते हैं? अच्छा, फिर इस तरह बोलते हैं सीपी ऑफिस जाना है तो आप लोग कैसे छोड़ते हैं उनको?
सीटों से खाली रेड बत्ती तक ही छोड़ते, रेड बत्ती के अंदर नहीं जाते। अच्छा, रेड बत्ती के अंदर नहीं जाते। अच्छा एक बात बताओ, जब वहाँ से वापस आते हो तो कहाँ से घूम के आना पड़ता है, यू टर्न कहाँ से लेना? मेवला से। मेवला से, मतलब आपको यहाँ से कुछ नहीं तो आधा एक किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है? हमें तो यहाँ से डेढ़ किलोमीटर जाना, फिर डेढ़ किलोमीटर आना वापस। अच्छा, डेढ़ किलोमीटर आना जाना दोनों पड़ता है, बहुत लंबा फिर तो पड़ जाता है आप लोगों को। ये जनता किराया कितना देती है? वही 15 रुपए किराया उतना ही है, पर रोड इतना लंबा। हाँ, रोड इतने लंबा, यानी गैस गैस ज्यादा लगती है और कुछ नहीं है। मैं एक बार पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोचिए जो ये ट्रैफिक पुलिस है उनको भी जाम को या फिर ट्रैफिक को काफी संभालने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मेन चौक है, आप देख सकते हैं ये मेवला का मेन चौक है जहाँ से लोग आते जाते हैं। ये देखिए बैरिगेटिंग जो है, जो ऑटो वाले बता रहे कि इनको अगर घूम के जाना पड़ता है तो पूरा मेवला महाराजपुर से यू टर्न लेके आना पड़ता है। सोचिए जो आधे घंटे का सफर होता था वो उनको 1 किलोमीटर दूर तय करके यहाँ पर आना पड़ता है। ये देखिए पब्लिक को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक संभालने में सोचे कितनी परेशानी होती है, क्योंकि शाम का टाइम सोचे वन वे रोड और यहाँ पर जब ट्रैफिक लगता होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती होगी। क्योंकि ये देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मेन चौक है, अगर यहाँ से आप जाते हैं तो सीधा बड़खल फ्लाईओवर की तरफ मुड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है आप लोग को ट्रैफिक संभालने में? जिस हिसाब से ये वन वे रोड बना दी गई है, वहाँ से लोगों को घूमते सिर्फ एक ही रास्ता बताया गया है। हाँ जी, बड़खल से उससे मेवला महाराजपुर से होते हुआ भी मेवला महाराजपुर से पूरा यू टर्न लेके आना पड़ता है। हाँ जी। तो ट्रैफिक वगैरह शाम को कैसा रहता है? शाम को तो पूरे भरा रहता है, पूरे जाम। अच्छा, हर जगह जाम है? हाँ जी, पूरे तरफ जाम। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको बता दूं ये बड़खल फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे चलती रोड है, सोचिए रेड लाइट है यहाँ पर, और यही बड़खल फ्लाईओवर जिसको खोद दिया गया, जहाँ से लोगों को आना जाना होता था, लोग आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय कर लेते, तो वहीं पर इनको सोचे यू टर्न लेके पूरा। ये देखिए मैं आपको बैरिगेटिंग दिखा दे रही हूँ, ये बैरिगेटिंग आपको मेवला महाराजपुर तक दिखेगी, क्योंकि वहीं से सिर्फ आप यू टर्न ले सकते हैं। अगर आप आसपास से यू टर्न लेते हैं तो आप पे चालान भी काटा जाएगा, ये है पुलिस प्रशासन का खौफ, ये देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद जो यहाँ पर बड़खल फ्लाईओवर दिखाना था, वो मेन मकसद यही था कि सोचिए जो काम को सरकार बोलती है कि वो इतने दो, ये देखिए यू टर्न लिया इन्होंने और पकड़े गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये यू टर्न लेंगे तो यहाँ से इनके चालान भी काटे जा सकते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद था बड़खल फ्लाईओवर दिखाने का, वो यही था कि जो सरकार नियम बनाती है कि वो इतने टाइम तक काम को पूरा कर देगी, तो आखिर काम को पूरा किया क्यों नहीं जाता? क्योंकि जैसा सुनने में आया था, मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि 2 मई तक इस काम को पूरा करना था, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ है पूरा। सोचिए हर जगह की जो रोड है, फरीदाबाद को पूरा खोद कर रख देगा, लेकिन सिर्फ खोदने का काम किया जा रहा है, बनाने का सरकार काम शायद नहीं करे, या फिर खोद कर रोड को भूल जा रही है। तो जनता को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसको सरकार को खत्म करना चाहिए और जल्द से जल्द इन कामों को शुरू करना चाहिए। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं अचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए।